जोधपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर कब्जे में उनसे अवैध शराब बरामद की। कार्रवाई के बारे में बताते हुए हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बताया कि एम्स रोड पर दो लोग संदिग्ध दिखाई दे दिए। उन्हें रोका गया तो उनके पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। पकड़े गए दोनों बदमाशों के नाम आयुष और साहिल है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पावटा बस स्टैंड के पास मंगलवार की दोपहर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। डिवाइडर में ट्रेलर के अटकने से बड़ा हादसा टल गया। घटना का कारण आगे चल रहे कंटेनर का अचानक ब्रेक लगाना बताया जा रहा है। मंगलवार की दोपहर चालक रतनलाल ट्रेलर में सीमेंट भरकर चित्तौड़गढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। वहीं आगे चल रहे कंटेनर व कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर चढ़कर अटक गया, जिससे एक बड़ा हादसा व जनहानि होने से बच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक तेज आवाज के साथ ट्रेलर डिवाइडर के ऊपर ही रुक गया। आनन फानन में लोग मौके पर पहुंचे, प्रागपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में मौके पर पहुंची प्रागपुरा पुलिस ने ट्रेलर को एक तरफा करवा कर यातायात सुचारू करवाया व ट्रेलर को क्रेन से निकालकर प्रागपुरा थाना ले गई। लोगों के अनुसार यदि ट्रेलर डिवाइडर पर नहीं चढ़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी मच गई थी।